सीएम की दो टूक ना हो ऐसी चूक। जी हां, कटनी, सिवनी, टीकमगढ़ समेत अन्य शहरों से अपराधों और पुलिस की कार्यशैली को लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर सीएम ने दो टूक कह दिया है। पद का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर दलित आदिवासियों पर हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कटनी मामले में खुद जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, थाने में केस दर्ज करवाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस यहां पर सिलेक्टिव प्रोसेशन का गेम खेल रही है, यानी कि चुनिंदा मामलों पर ही कांग्रेस मुंह खोलती है। छतरपुर पर कांग्रेस बोली, लेकिन टीकमगढ़ आरोपी सलीम और लालू खां हैं तो चुप्पी क्यों साध ली। कांग्रेस का वार, बढ़ रहा अत्याचार, प्रशासनिक घटधर्मिता और कितनी ताराशाही। बीजेपी का पलटवार, खास मुद्दों पर खामोश। आरोपी सलीम खां और लालू खां पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। एससी एसटी और ओबीसी समाज की बच्चियां, उनके साथ में इस तरह के दुष्कर्म आए दिन हो रहे हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? सीएम की दो टूक ना हो ऐसी चूक। का दुरुपयोग करता तो सरकार कार्रवाई करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस कानून सम्मत व्यवस्था में सब अपनी मर्यादा में रहे। आदिवासी और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कुछ विशेष मुद्दों पर ही बात करती है, लेकिन जब आरोपी सलीम लालू खां होते हैं तो ये चुप हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, प्रदेश में आखिर कब अपराधों पर नकेल कसेगी? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। बेलगाम अपराधों पर लगाम कब और क्रूरता करने वाले पुलिस वालों पर कब होगी कार्रवाई? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल यह रहेगा कि अपराध और अपराधियों पर सियासत क्यों हो रही है? जी हां, अपराध हो रहा है, सभी की एक मांग होनी चाहिए कि अपराध ना हो, अपराधियों पर कार्रवाई हो, प्लीज इस पर भी राजनीति। अगला सवाल रहेगा, सीएम की दो टूक कितनी कारगर होगी? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, बेलगाम अपराधों पर आखिर कब रोक लगेगी? तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आपको तमाम चेहरे इस गेस्ट पैनल के दिखाई देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के प्रवक्ता है गुलरेश शेख जी, वरिष्ठ पत्रकार है राकेश अचल जी और साथ ही पूर्व आईपीएस मैथिली शरण गुप्त जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी पर आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार नाम धर्म वेशभूषा देखकर बुलडोजर की कार्रवाई करवाती है, लेकिन बीजेपी यहां पर कह रही है कि विपक्ष की चुप्पी नाम को देखकर टूटती है। अगर आरोपी सलीम अली या अफजल होगा तो कांग्रेस चुप रहेगी। अपर्णा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कल बीडी शर्मा जी के लोकसभा क्षेत्र कटनी में जाकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने जो धरना दिया और जो दलित महिला, बुजुर्ग महिला और उसके नाती के साथ मारपीट, उसके ऊपर जो सस्पेंड हुए 6 लोग उन पर कार्रवाई हुई, उसको लेकर लगता है बीडी शर्मा जी इतने आहत हुए कि आज उनने पर्चा ही गलत पढ़ लिया। अपर्णा जी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं है। हम किसी अपराधी के साथ नहीं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। मैं बताना चाहता हूँ, कटनी में जो 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें 2 आरक्षक का, एक का नाम सलमान खान है, एक आरक्षक का नाम अब्बासी है, सोए अब्बासी। तो मतलब कटनी में जिन पर कार्रवाई उसमें भी उस धर्म के 2 लोग हैं, सलमान भी हैं अब्बासी भी हैं। और टीकमगढ़ की चूंकि घटना आज की है, आज हमारे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। आप देखेंगे हम हमेशा इस तरह के मुद्दे हम ही उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीडी शर्मा को कि सबसे पहले सरकार में आप बैठे हो वो आप कार्रवाई करने की बजाय आप उसको धार्मिक चश्मा पहनाने की बात कर रहे हो कि कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही। अरे भैया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप तो चुप रह जाते हो।
2023 का जो वीडियो था, 2023 की जो घटना थी, अब तक तो मूसले बैठे थे आप कटनी की घटना के ऊपर। जब कल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी वहां गए, जब आपने FIR की, जब आपने उनको सस्पेंड किया, अब तक कहां थे बीडी शर्मा? और आज की घटना जिसको 24 घंटे भी नहीं हुए, मैं खुद टीकमगढ़ का हूं अपर्णा जी, आप जानती हैं, और हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। और देखिए आज की घटना है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, बीडी शर्मा ने पर्चा गलत पढ़ लिया, पर्चा पढ़ा था उनने विज्ञान का, और उनका इतिहास बिगड़ गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कटनी में 6 लोगों में भी एक सलमान खान है और उसको भी अब्बास ही है। वो हम पर आरोप लगा रहे थे कि हम कटनी की घटना पे बोल रहे हैं, उनको लगा कि पूरे गुलदेश जी बैकफुट पर तो यही पता ही नहीं था कि आपको खड़ा कर दिया अवनीश बुंदेला जी ने। वो कह रहे कि आरोप लगाने से पहले आप नाम तो पढ़ लीजिए, वहां भी आवाज उठाई, आगे भी उठाते रहेंगे। अपराधियों पर सियासत क्यों हो रही है? नहीं, अपराधियों पर सियासत कौन कर रहा है? अवनीश बुंदेला कर रहे हैं, जीतू पटवारी कर रहे हैं, इनकी पार्टी कर रही है। हम तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि गुनाह कोई भी करे, उसका मजहब मत देखो, उसका दल मत देखो, उसकी जात मत देखो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि जो गुनाह है वो गुनाह है, जो क्राइम है वो क्राइम है। तो वही महेंद्र यादव जी की सरकार लगातार कर रही है। और आप ये भी देखिए कि उन्होंने कितनी सारी गंदी राजनीति खेली है। पहले इन्होंने कहा कि दलित के पर हुआ अत्याचार हम मानते हैं हुआ, फिर ये कहा कि चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए दलित में हुआ, जबकि वो TI जो थी वो खुद भी दलित थी जाति से। तो ये सब बातों को हम नजर कभी देखते भी नहीं, उन चश्मों से नजर भी नहीं करते चीजों के ऊपर। हम ये देखते हैं कि न्याय होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यही कहा कि बिल्कुल कोई भी पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो चाहे पुलिस वाला हो, कोई अधिकारी हो, या कोई भी हो। तो सीएम की दो टूक कितना असर दिखाएगी उस पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लंबी सेवा का आपके पास लंबा अनुभव रहा है। जो ये वीडियो आपने देखा, इस तरह से पुलिस कर्मियों का व्यवहार, क्या ये आम बात है? क्या एक साल बाद ये मामला सामने आया है? क्या सच में कि ऐसे मामले सामने नहीं आ पाते, इसीलिए ऐसे हौसले बड़े रहते हैं वर्दीधारियों के? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो जब तक हम सिस्टम ना बनाए जिसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी रहे, और हम अकाउंटेबिलिटी के तहत जो है अच्छे ढंग से कार्रवाई कर सकें, ये बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक इंटरफेरेंस में, राजनीतिक गोटियों के तहत कार्रवाई जो होती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम को हानि पहुंचाती है। हमें अब सिस्टम की बात करना चाहिए। 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें जो है पुलिस को संस्थागत जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। उसके लिए एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की बात कही गई थी। मेरा मानना है कि अब उस स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की जरूरत है, और हम अकेला पुलिस को आइसोलेट ना करें बल्कि हम उसे अकाउंटेबल बनाएं। मैथिली शरण जी, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 18 साल हो गए और अब तक नहीं हुआ, क्या पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस तरह की चीजें होती हैं? निश्चित तौर पर ये दोनों ही कारण जिम्मेवार हैं, और हमने ऐसी संस्थागत व्यवस्था नहीं की है जिसके तहत हम अकाउंटेबिलिटी के साक्ष ला सकें। और कोई भी अपने कर्तव्य का यदि निर्वहन नहीं कर रहा है, यदि वो FIR दर्ज नहीं कर रहा है, तो ना केवल उसके विरुद्ध कार्रवाई हो बल्कि उसे आर्थिक हर्जाना भी देने का प्रावधान होना चाहिए। और आर्थिक हर्जाना के दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक कंपोनेंट शासन वहन करे और दूसरा कंपोनेंट अधिकारी स्वयं वहन करे। ठीक है, राकेश अचल जी, मारने वाला भी दलित था और जिसे पीटा गया बेरहमी से वो भी दलित था, क्या ये कहकर बात बराबर हो जाती है? बात तो यहां पर होनी चाहिए ना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, वर्दी पहनकर आपका काम है न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना या न्याय दिलाने में अपनी भूमिका को अदा करना, लेकिन आपने डंडा उठा लिया। अपर्णा जी, देखिए दुर्भाग्य है कि इस देश में और मध्य प्रदेश में पुलिस का इकबाल जो अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि कभी भी कायम होने नहीं दिया गया,
पिछले 40 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में कि पुलिस जिस सिस्टम की बात अभी गुप्ता जी कर रहे हैं वो सिस्टम तो है हमारे पास, लेकिन उसमें राजनीति का जितना दखल है उसकी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। वर्दी अपना रौब झाड़ रही है, राजनेता अपना रौब झाड़ रहे हैं, और जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आप पिछले दिनों की बात कर लें कि पिछले मुख्यमंत्री जो थे, अभी डॉक्टर साहब को तो आए हुए कुछ बहुत ही कम समय हुआ है, यादव जी को, उस सरकार में भी एक दलित के ऊपर एक सत्तारूढ़ दल के नेता ने पेशाब कर दिया था। उसके बाद अभी इस सरकार में इसी बुंदेलखंड में दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई, वो उससे 3D मशीन से उसके ऊपर मलबा डाल के मिट्टी डाल के। तो ये वारदातें मानसिकता का सवाल है, लेकिन पिछले 10 साल से इस देश में ये हो रहा है कि हम ये देखने लगे हैं कि आरोपी कौन है। अगर वो किसी खास जाति विशेष धर्म का है तो हमारी दृष्टि दूसरी होती है, और अगर वो दूसरे विचारधारा दूसरे धर्म का है तो हमारी दृष्टि दूसरी होती है। यानी कि अगर इस केस में आरोपी नहीं होगा, कोई आरोपी का नाम कुछ और निकलता, किसी जो पुलिसकर्मी है अगर उसमें जब मुख्य नाम होते, अगर वो किसी खास वर्ग या विशेष धर्म से होते तो फिर तो हल्ला किसी और एंड से हो रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन सिस्टम में क्या सुधार हुआ? जिन इलाकों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली चल रही है वहाँ अपराध की दृष्टि से कितनी गिरावट आई? तो ये समीक्षाएं हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ राजनीति और राजनीति कर रहे हैं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि आप अपराधियों का हौसला बुलंद है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है, चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई तीसरा दल हो। तो सबसे पहले हमें राजनीति को इस सिस्टम से अलग करने के लिए दृढ़ संकल्प होने की बात करना चाहिए, और वो केवल सत्तारूढ़ दल कर सकता है जो सत्ता में हो। मुद्दे आधारित राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जनसरोकार के हर मुद्दे पर आप भिड़ जाए, पक्ष विपक्ष बनकर खड़े हो जाए, ये भी सही नहीं है ना समाज के जनसरोकार के लिए। गुलरेश शेख जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अपर्णा, ये बात बिल्कुल सही बोली हमारे राकेश जी ने भी कि हर चीज में धर्म को जात को देख के कार्रवाई होती भी नहीं है, उस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। अभी आप बताइए अपर्णा, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने क्या बताया कि दो आरक्षक जो थे वो मुसलमान है, उसमें ना मैंने ये बात सोची थी, ना आपने ये सोची थी, ना हमने उनके नाम देखने की कोशिश की, ना शासन ने की, फिर भी कांग्रेस ने बड़ा सूक्ष्मता से उस चीज को अध्ययन किया कि किसकी जात क्या है, किसका धर्म क्या है। अब अगर इस हिसाब से न्याय करने लगे तो फिर वो दोनों आरक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, वो जो आई थी वो भी दलित थी उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फिर करना क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना है, कि जंगल राज चलाना है मध्य प्रदेश में, कि चाहती क्या कांग्रेस पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता। हम तो यही बात बोलते हैं कि हर किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो। देखिए आप लोग भले ही लड़ते होंगे टीवी डिबेट पर आकर या चुनाव के मैदान में, लेकिन भाईचारा तो बराबर का बना हुआ है। उन्होंने धर्म गिनवा दिया, आपने बता दिया कि महिला पुलिस अधिकारी दलित थी, तो अंतर तो खास नहीं बचा है यहाँ पर। लेकिन आपने की बात पर अवनीश गुप्ता जी, काउंटर में कहा है कि ये कांग्रेस जो कह रही थी दलित की पिटाई पुलिस ने की, तो वो बीजेपी शासन में तो पुलिस वाला भी क्या था वो बताया मैंने। ठीक है गुलरेश शेख जी। अवनीश जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे गुलरेश शेख जी की बात पर। अपर्णा जी, मुझे मुस्कुराहट में हंस इसलिए रहा हूँ कि गुलरेश शेख जी ने देखा ही नहीं कि डिबेट का विषय क्या था। बीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि जब सलीम और सलमान होते हम चुप रहते हैं, हमने उसकी सफाई दी कि शायद वो पूरा अध्ययन नहीं कर पाए बीडी शर्मा जी, पर्चा दूसरा पढ़ लिया कि ढंग से पढ़ते कि कटनी वाले देखे। गुलरेश जी ये मत करिए, धर्म से अपर्णा जी ये कह रहा था, देखिए विषय जो था मैंने वो जवाब दिया। बाकी सबसे बड़ी बात है, देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, ये बात मैं मानता हूँ जो हमारे पूर्व IPS जी ने की और हमारे पत्रकार महोदय ने की, कि हमें
इस सोच से ऊपर उठना चाहिए, कोई भी दल अगर ऐसा सोचता है। लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले बहुत सिलेक्टिव हो गई है। अगर सिलेक्टिव नहीं होती तो टेनी मिश्रा पर कार्रवाई होती, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होती, ऐसे कई नेता हैं जो इनकी, अरे आम लोग तो छोड़िए, वो उनके उनके हैसियत में 1% भी अंतर नहीं आया, उन पर सीधे आरोप लगे। आप मुझे बताएं, टेनी मिश्रा के बेटे ने सीधी गाड़ियां चढ़ा दी, 6 लोगों की हत्या करी, तो भी उन पर कुछ नहीं हुआ। तो अपना जी बात यह थी कि आपको इतना सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इतने सिलेक्टिव रहेंगे तो कानून लोग हाथ में लेते रहेंगे, क्योंकि आप देखें मध्य प्रदेश के हाल बड़े बुरे हैं। हम देखिए, हम विपक्ष हैं और विपक्ष के नाते ये हमारा काम है, हम कभी इस मामले में सिलेक्टिव नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर क्या पहली बार अत्याचार हुए? आप बताएं, शिवराज की सरकार में भी आपने देखा उनके कपाट पर पेशाब किया जा रहा है। नीमच जैसी घटना होती है, आप देखें नेमावर में जाते हैं तो वहाँ 6 लोगों को, एक दलित परिवार के लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है। और आप देखें मल फेंका जाता है बुंदेलखंड की महिलाओं पर, ये बहुत आम बात है। देखिए कटनी की जो घटना है, हमने ये बीच में बोल रहे हैं पन्ना जी, गलत बात है, मैं फिर उनको बोलने नहीं दूंगा पन्ना जी। ठीक है, आपकी बात समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। 2023 की घटना को, 2023 की घटना को आप अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जाकर वहां मांग की, तब उसमें भी उनको 6 घंटा धरना देना पड़ा थाने पे। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अपराधियों के साथ है, अपराधियों को बचाने का काम करती है। देखिए, ये जहां तक इतनी बातें की ना, मुझे आप एक प्रकरण बताइए जहां पर जिंदर ज्यादती हुई हो किसी के साथ, हो उसके आपको ये विषय का अध्ययन करना चाहिए था। जब मैं बोल रहा हूं उनको बोलने दे रहे हैं। अरे आप नहीं, मेरा जी कैसी 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 बातें कर रहे हैं। देखिए आप स्टूडियो में हैं, वो स्काइप से कनेक्टेड है, बोल रहे बात कंप्लीट कर दीजिए। आप देखिए बिना इंटरप्ट के आपने बात रखी। अवनीश बुंदेला जी मत कीजिए प्लीज ऐसा जी। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी बात बताइए, एक ऐसा विषय बताइए जहां पर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई हो और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो, और जिसने भी जुल्म किया है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हुई है। और जहां तक ये बात है ना कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ, क्या बात कर रहे हैं, पेशाब कांड हुआ था कब, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और अभी भी ये भी जो हुआ है ना कटनी में, ये कब हुआ है, जब आचार संहिता थी, आचार संहिता के मेले बड़ा आसान होता ये कहना पड़ना कि उस समय हमारी सरकार थी नहीं, इलेक्शन कमीशन की सरकार थी, इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ देख रहा था। लेकिन सरकारें इस जवाबदारी लेती है, ये मानसिक संतुलन खराब है क्या इनका कि आचार संहिता में इनकी सरकार नहीं थी? कैसी बात कर रही है अपना जी, आप इंटरव्यू करिए, पढ़ लिख किया है क्या, क्या मुख्यमंत्री था आपका, मैंने फोड़ रखी है ब्लास्ट था, ये कैसी बात करते हैं उस समय, तो ये एक मिनट कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप ओवरलैप करते रहेंगे ना, किसी की बात क्लियर नहीं हो पाएगी। क्या बात करते हो आप हमारे बीच में जो आई आई थी उसने बोलने दीजिए ना, मैं आपको सबसे डाउट करूंगा, बोलने दीजिए उन्हें, ठीक है, नहीं हल्ला मत कीजिए, अब नीचे एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। वो कह रहे हैं कि 2023 का मामला है, उस वक्त आचार संहिता थी, ये कहना उनके लिए आसान होता। बोलने दीजिए, बात कंप्लीट कर दीजिए अभी जी। देखिए सरकारें जो होती है ना अपने इकबाल से चलती है, सरकारें जो होती है एक्शन लेने से चलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम की 2 टूक का असर होगा, अब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, मैं आप किसी बात पर आगे बढ़ रही हूँ, मैथिली जी मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात समझा दीजिए, क्लियर कीजिए सर, कि ये वीडियो सामने आ गया, क्या लग रहा था कि वीडियो सामने नहीं आएगा, ये तो मामला फिर किसी के संज्ञान में नहीं होता, कहीं बात ही नहीं होती, वो तो वीडियो सामने आ गया तो हम चर्चा भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें अकाउंटेबल सिस्टम बनाना चाहिए। यदि हम अकाउंटेबल सिस्टम बनाएंगे तो हमें डिलीवरी मिलेगी। और जो आप कह रहे हैं कि ये कैमरा जो है ना वीडियो सामने आ गया, मैं तो इसका उल्टा जा रहा हूं कि थाने के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसमें सब जगह सीसीटीवी होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, इट शुड बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी पॉइंट ये था कि वो तो कैमरा था तो सामने आ गया, नहीं तो नहीं आ पाता। बिल्कुल सही आप बात कहेंगे, हर चीज माइन्यूटली रिकॉर्डेड होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राकेश जी,
सिलेक्टिव परसेप्शन जर्नलिज्म के हम लोग छात्र जब होते हैं तब पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर यही हो रहा है, पिक एंड चूज, जिसको मुफीद, जिसकी आइडियोलॉजिकल के हिसाब से, वो उसके हिसाब से अपनी राजनीति कर रहा है यहाँ पर। देखिए अपर्णा जी, बात राजनीति की है और मुश्किल ये हो गया है कि इस समय जो देश है वो असली मुद्दों से हटकर के केवल राजनीति कर रहा है, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे उत्पीड़न का मामला हो। मैंने पिछले 40 साल में ऐसा दौर कभी नहीं देखा। और जहाँ तक सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की बात है, तो हमारी सरकारें, मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 10 साल में 700-800 करोड़ रुपया पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च कर चुकी है। टेक्निक से पूरी तरह से सन्नद्ध है पुलिस, लेकिन एक कोई बात है, पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होने दिया जा रहा। और उसके समानांतर हमारे यहाँ बुलडोजर संहिता चलती है। हमने देखा कि आप किसी एक जाति विशेष के आरोपी, अगर वो बलात्कार हत्या किया तो उसका मकान, चाहे उसका हो या नहीं हो, जमींदोज कर दिया जाता है। और अगर ग्वालियर शहर में वो एक किसी बड़े राजनीतिक दल के संरक्षण में होटल का मालिक है, बलात्कार का आरोपी है, तो उसकी तरफ बुलडोजर देखता नहीं है। तो ऐसे में पुलिस का एक बार बुलंद कहाँ से होगा, सिस्टम अकाउंटेबल कहाँ से होगा? सिस्टम को अकाउंटेबल करने के लिए आप उसे फ्री छोड़िए, और फ्री छोड़ने के लिए कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, कि मैं कहता हूँ सत्ता प्रतिष्ठान तैयार नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 40 साल से चल रहा है कि हम बिना दखल के पुलिस को काम करने ही नहीं दे रहे हैं। गुप्ता जी, हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 4.5 साल लेकिन राजनीति का मसला ये नहीं होना चाहिए आरोपी कौन है, किस धर्म का है, बल्कि विषय होना चाहिए कि भैया पुलिस की वर्दी पहने उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक मजलूम पर या किसी पर भी डंडा उठाने की। आप न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनसे पूछताछ करते, बातचीत करते या सवाल जवाब करते, लेकिन डंडा उठा लिया अभी वर्दीधारियों ने, ये बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। सीएम की दो टूक है कि अब ऐसा नहीं होगा, आगे भी ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।